अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम प्रेगनेंसी को मंथली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो मंथ हम डिस्कस कर रहे हैं वो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यानी हमल के चौथे माह से मुतालिक मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो चुका है और ये एक हामला औरत का सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक औरत के अंदर फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना पड़ सकता है, और कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रंस यानी ग़िज़ाई अज़ा की। इस माह एक हामला औरत की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के टाइम, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तकरीबन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम एक हामला औरत को एक्स्ट्रा चाहिए होता है और 30 मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है। 700 से 800 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है। सलाद का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, दही, चावल और दालों का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा अंडा, मछली, चने, हर तरह का मौसमी फल खाने में इस्तेमाल करें। इसके अलावा सब्जियां और जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा लस्सी, ताज़ा फलों का जूस, घर का बना हुआ इस्तेमाल करें। जहाँ आपने ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वहीं आपने कुछ एहतियात इस तरह करनी है कि आपने चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और बाज़ार के पैकेट वाले खाने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप अपने खाने पीने में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी तो आपकी और आपके बच्चे की सेहत बहुत अच्छी रहेगी और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकेंगी। नाउ सेकेंड इज अल्ट्रासाउंड। एक अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें बच्चे की सेहत देखी जाती है। इस चौथे माह आपका पेट इतना ज्यादा नुमाया नहीं होगा, लेकिन अब आपका पेट जल्दी जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एनोमली स्कैन होगा आपका। इसके जरिए ये देखा जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। नॉर्मली ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ हो। अब है सिम्टम्स यानी अलामत। चौथे माह एक हामला औरत को किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आपका वजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको अपनी टांगों पर एक बोझ सा महसूस होएगा। लेकिन अभी आपका वजन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अभी आपका पेट भी इतना ज़्यादा बाहर नहीं आया होगा, लेकिन फोर्थ मंथ के एंड तक और या फिर फिफ्थ मंथ के स्टार्ट तक आपका पेट थोड़ा नुमाया हो जाएगा। इसके अलावा आपकी स्किन पर ख़ारिश होगी, ख़ास तौर पर आपके पेट पर, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपने पेट पर ख़ारिश अपने नाखूनों से नहीं करनी, बल्कि आपने कोई मलमल का कपड़ा ले लेना है, जिससे आपने अपने पेट पे आहिस्ता आहिस्ता ख़ारिश करनी है या सहलाना है। इसके अलावा आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें, आरामदार कपड़े पहने, कॉटन की कमीज़ का इस्तेमाल करें। इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स में रिलीफ मिलेगा। आप इसके अलावा आपको भूख ज़्यादा लगेगी। आप जितना खाना खाती हैं रूटीन में, आपको उससे ज़्यादा भूख लगेगी। इसके लिए आपने ये करना है कि हर वक्त अपने घर में फ्रूट्स रखने हैं, स्नैक्स रखने हैं, बिस्किट्स रखने हैं, या फिर ऐसी खाने की कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, आप उसे घर में रखें, ताकि वक्त बे वक्त जब भी आपको भूख लगे तो आप वो खा सकें। इसके अलावा आपको बार बार मुँह में थूक आएगा, आपका सलाइवा ज़्यादा बनेगा और आप जाहिर है प्रेगनेंसी में प्यास ज्यादा लगती है, तो जिसकी वजह से आप पानी ज्यादा पियेंगी और आपको फिर बार बार पेशाब आएगा। तो ये फोर्थ मंथ की अलामत हैं जो एक हामला औरत को इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। नाउ प्रिपरेशन यानी तैयारी। सबसे पहले तो ये कि आपकी प्रेगनेंसी का जो एक नाजुक दौर था वो गुजर गया है और जो कॉम्प्लिकेशंस आपको अर्ली प्रेगनेंसी में थे वो भी तकरीबन अब ख़त्म हो गए हैं। तो आपने अब करना ये है कि अपनी पूरी प्रेगनेंसी की यानी 9 मंथ तक की तैयारी कर लेनी है। वो खवातीन जिनकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है, वो तो ये बात बहुत अच्छे से जानती होंगी कि उन्होंने कौन कौन से काम पहले से कर लेने हैं। लेकिन वो हामला खवातीन जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं, उन्हें अभी इस वक्त की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। यहाँ मैं आपको ये बात बताती
चलूं कि आपने कौन कौन से काम उस इस वक्त कर लेने हैं। सबसे पहले आपने अपने लिए मैटरनिटी क्लोज का इंतजाम कर लेना है। अगर आप रेडीमेड कपड़े इस्तेमाल करती हैं तो इस माह आपने अपने कपड़े खरीद लेने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपने आरामदायक कपड़े पहनने हैं। जो कपड़े आप घर में पहनती हैं वो अब आपको छोटे हो जाएंगे और आपको नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहती तो अब आप ऑनलाइन मैटरनिटी क्लोथ भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो आप वो भी घर बैठे ऑर्डर करके मंगवा सकती हैं। और अगर आप अबाया इस्तेमाल करती हैं तो मैटरनिटी अबाया ख़रीद लें। अब तक मैंने जितनी भी बात करी वो माँ के बारे में थी कि हामला औरत को फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस उसके सामने आएंगे। अब हम बात करेंगे बेबी के बारे में कि बेबी के अंदर फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंज आ जाता है। अक्सर लड़कियों को बेबी की डेवलपमेंट के बारे में जानने का ज्यादा शौक होता है। इस दौर में यानी चौथे माह प्लेसेंटा मुकम्मल तौर पर बन जाता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। 14 से 17 वीक का यह हफ्ता होता है और तकरीबन 100 ग्राम बेबी का वजन होता है और फोर्थ मंथ में बेबी की हाइट तकरीबन 5 टू 6 इंच होती है। बॉडी पार्ट्स मुकम्मल तौर पर बन चुके हैं बच्चे के। आईलैशेस बनना शुरू हो जाएंगी इस महीने। ये वो वक्त है जिसमें बेबी की ग्रोथ का आपने खास ख्याल रखना है, इसलिए अगर माँ अच्छी खुराक का इस्तेमाल करेगी तो बच्चा भी हेल्दी हो सके। इस मरहले में बच्चे की ग्रोथ तेजी से होती है। इस महीने एक चेंज जो माँ अपने अंदर महसूस करती है वो बेबी की मूवमेंट है, जिसका इंतजार हर माँ को शिद्दत से होता है। एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। आपको बिल्कुल इस तरह महसूस होगा जैसे कि गैस का छोटा सा बबल आपके पेट के अंदर है, या फिर ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे कि छोटे साइज की बटरफ्लाई आपके पेट में है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर माँ इतनी जल्दी बच्चे की हरकत महसूस कर सके। ज्यादातर माएं बेबी की मूवमेंट इस महीने महसूस नहीं कर पाती। नाउ चेंजेस इन बेबी यानी बच्चे में तब्दीली। फेशियल फीचर्स बनना शुरू हो जाते हैं, नाक कान आईलैशेस नेल्स आईब्रोज बनना शुरू हो जाएंगी। पाँव की सतह बन जाती है चौथे माह। लंग्स बनना शुरू हो जाते हैं लेकिन ये प्रोसेस अभी बहुत स्लो होता है। बच्चे का स्केलेटन यानी हड्डियां जो होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और ये तकरीबन 9वें माह मुकम्मल होता है। इसके अलावा बेबी में हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है लेकिन ये बहुत मामूली होती है। अभी फिंगरप्रिंट्स बनने लगते हैं बेबी के और जो टेल होती है बेबी की वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चेंजेस बेबी में फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।